किसी ने सही ही कहा है कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चराग जलता है। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। एक ऐसे ही शख्स हमारे साथ बात करने के लिए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हैं फोरम फोर और मैं प्रभात आज सीलमपुर पहुँचे हैं। सीलमपुर आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और हम आपको एक ऐसे ट्रैफिक पुलिसकर्मी से मिलाते हैं जो ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं हैं, लेकिन बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस वाले ही दिखते हैं। गंगाराम जी हमारे साथ हैं, आप खुद सुनिए उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। मैं यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन हूँ, पुलिस वालों के इनके बच्चों के साथ में लगा रहता हूँ। सवेरे 9 बजे आता हूँ, रात के 10 बजे जाता हूँ। ये सब बेचारे मेरे साथ में लगे रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी यहाँ टीवी रिपेयर की दुकान थी जी ब्लॉक के अंदर सीलमपुर में, वहाँ पे मैं टीवी रिपेयर किया करता था, इनके वायरलेस वगैरह सही करता था। इन्होंने मेरा फार्म भर दिया ट्रैफिक वार्डन का। मुझे 30 साल हो गए यहाँ पे, सवेरे यहाँ पे 9 बजे आता, फिर दुकान खोलता था, फिर शाम को 8 बजे दुकान बंद करके फिर मैं यहाँ पे सेवा करता था। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आप ट्रैफिक का काम कर रहे हैं, लेकिन आप ट्रैफिक वाले हैं नहीं, आपको इसके लिए पेमेंट नहीं मिलता है, फिर भी आप काम कर रहे हैं, कहाँ से प्रेरणा मिलती है, कहाँ से हौसला आपको आता है? कि हमारे जैसे बुजुर्ग लोग हैं, खाट पे पड़े रहते हैं, यहाँ पे आए, हाथ पैर हिलाएं तो कितना अच्छा रहे, सेवा करें हमारी तरह। मैं कभी बीमार नहीं होता, मैं रेगुलेट यहाँ आता रहता हूँ, एक रेस्ट मिलता है मेरे को संडे का, फिर मैं दूसरे दिन उठने में दिक्कत होती है। मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जैसे बुजुर्ग हैं, हमारी पुलिस का सहायता करे, हमारा सहयोग दे, जैसे मैं सहयोग देता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज से कम 7 साल हुए, यहाँ पे हमारे लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, फिर उसको अस्पताल ले गए हम, 6 महीने गर्तेक बहादुर के हमने चक्कर लगाए, बचा नहीं सके, लड़की हड्डी टूट गई थी। 2 साल हुए हमारे घर से गुजर गई, अब हम अकेले रह गए। फिर मैंने सोचा अब क्या है, कुछ नहीं, अब बस मैं यहाँ पे फुल टाइम आने लगा यहाँ पे। फिर आपने हार नहीं मानी, मतलब बेटे की मौत होने के बाद सड़क दुर्घटना में गंगाराम जी ने हार नहीं मानी और यहाँ पर आकर के ट्रैफिक की नौकरी एक तरीके से कर रहे हैं बिना पेमेंट के। और घर में आपके कौन कौन है? एक बहू है, उसको मैक्स हॉस्पिटल के अंदर लगा रखा है, 2 पोतियाँ हैं, 1 पोता है, बड़ी पोती की शादी कर दी है, और हमारा जो पोता है वो पढ़ रहा है, और 1 छोटी पोती है। हम सब जने इकट्ठे रहते हैं, बहू जो तनख्वाह लाती है उसमें घर का खर्चा चलता है। 26 जनवरी और 15 अगस्त, होली दिवाली को हमारा रिवार्ड बन जाते हैं, DCP साहब बनाते हैं 1500-1000 रुपये का, मुझे बहुत खुशी होती है। आप देख रहे हैं दर्शकों, में बता दूं कि काफ़ी दर्दनाक कहानी है। हमारे साथ गंगाराम जी हैं, इनके बेटे की यहाँ पर दुर्घटना हो गई थी, सीलमपुर में ही हुई थी, सीलमपुर में इसी चौक पर दुर्घटना हुई थी, और उसी चौक पर वो हिम्मत ना हार करके यहाँ पर जो है ट्रैफिक नियंत्रण का काम कर रहे हैं। काफ़ी मोटिवेट करता है हम लोगों को। बड़े आदमी हैं और सारा दिन यहीं पर धूप में, बरसात में, सर्दियों में ऐसे खड़े होकर यहाँ ड्यूटी देते हैं, सबसे पहले आते हैं, और रात को भी काफ़ी देर तक यहाँ पे, मैंने उनको 10-10 बजे तक देखा है। मैं देख रहा हूँ आप, मैंने यहाँ पे कई लोगों से बात की, वो आपको बहुत करीब से जानते हैं, कि लोग आपको बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं और इतना सम्मान के साथ देखते हैं। मुझे यहाँ पे 30 साल हो गए हैं सेवा करते हुए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गंगाराम जी पुलिस का सहयोग कर रहे हैं, यातायात नियमों के पालन करने के बारे में वो सबको सीख देते रहते हैं, बहुत ही अच्छा काम है। गंगाराम जी खुशी हो, लोग इतनी आसानी से आपकी बात मान जाते हैं, कुछ कभी ऐसा कोई घटना तो नहीं हुई जिससे आपको कभी ऐसा नहीं हुआ? हम कहते हैं प्यार से समझाओ, गुस्से से मत समझाओ, डंडा मत दिखाओ, आराम से समझाओ, तरीके से प्यार से समझाओगे बेचारा मान जाएंगे, सब लोग मानते हैं हमारा कहना, कोई उल्लंघन नहीं करता है, सब बेचारे कहना हमारा मानते हैं।
और आप जैसे इतने मतलब आपकी सेहत भी थोड़ी डाउन हो रही है, मतलब देखने में लग रहा है आप काफ़ी दुबले पतले हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपको मतलब ऐसा नहीं लगता कि आपको थोड़ा आराम करना चाहिए या? नहीं नहीं, मैं मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मेरे को एक रेस्ट मिलता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, दूसरे दिन उठने में दिक्कत होती है, मैं यहाँ आता रहता हूँ, स्पीड बननी रहती है, अच्छा रहता है, सच अच्छा रहता है मेरा। अच्छा, आपने और कोई काम यहाँ पे, आपने कोई और काम क्यों नहीं चुना समाज सेवा का, जैसे आपने ट्रैफिक वाला ही काम क्यों चुना है, ये बताइए जरा। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तो लोग बागों से यही कहूँगा, इस देश के लिए तो लोग बाग खून बहा देते हैं, गोलियाँ खाते हैं, मैं तो सेवा करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब तक मेरी सांस में सांस रहेगी, चलती रहेगी, मैं यही सेवा करता रहूँगा, मुझे बहुत खुशी होगी। जय हिंद। हमारे साथ बात करने के लिए ट्रैफिक पुलिस से किरण पाल सिंह जी हैं। मैं सर से जानना चाहूँगा कि गंगाराम जी के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। गंगाराम जी हमारे साथ सुबह 9 बजे हाजिर हो जाते हैं, हमारी फिर भी यहाँ पर 2 शिफ्टें हैं, सुबह मॉर्निंग से 7 से लेकर 3 और 3 से 11। गंगाराम जी सुबह 9 बजे आकर रात के 10 बजे तक कंटिन्यू ट्रैफिक में हमारी हेल्प करते हैं और हमें इनका बहुत बड़ा सहयोग है, ट्रैफिक को रेगुलेट कराते हैं और काफ़ी समय से ये इस काम को करते आ रहे हैं। ऐसे आदमी चुनिंदा मिलते हैं, सामाजिक आदमी अपने घरेलू काम सभी करते हैं, हम भी आते हैं, हमें गवर्नमेंट इसका मेहनताना देती है, लेकिन कुछ आदमी होते हैं जिनको भगवान कुछ चोट पहुंचा देते हैं और वे फिर जीवन में सब कुछ त्याग के उस चोट के कारण अपने सामाजिक कार्यों में लग जाते हैं। सभी के लिए कहेंगे कि अगर आम लोग भी ऐसा सोचने लगे और वो थोड़ा थोड़ा सहयोग दें तो हमारा जो कमियां हैं, छोटी मोटी रेड लाइट में एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, इंजर्ड होते हैं, उनमें हमें काफ़ी हेल्प मिले, बड़ा अच्छा फील हो। जैसे इतने दिनों से वो काम कर रहे हैं आपके साथ, तो आप लोगों का भी उन्हें सहयोग प्राप्त है, आप लोग कैसे उन्हें सहयोग दे रहे हैं? उनके हम हर तरह से सहयोग देते हैं, कोई खाने की पीने की, कोई मेडिकल सुविधा, कोई और ड्रेस वगैरह की, ऐसी भी कोई भी जरूरत है उनके साथ हम बड़ा बोलचाल का बड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं। हम भी उनके तकरीबन इसी उम्र के हैं लेकिन फिर भी उनको अंकल जी कह के बोलते हैं और उनको आते हैं तो उनको मुस्करा के उनके साथ बातें करते हैं, उससे उनको बड़ा अच्छा गुड फील होता है। तो आपने देखा कैसे गंगाराम जी निस्वार्थ भाव से और त्याग की भावना से काम कर रहे हैं। ऐसे ही वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।